हेलो, गुड डे, गुड आफ्टरनून आप सभी को। सबसे पहली बात तो मुबारकबाद की इस मुश्किल घड़ी का आप सामना कर रहे हैं। ये पहली बार इस चीज को हमने फेस किया, लॉकडाउन। सो बहुत सारी तालियां आपको। एंड हम जिस चैनल के वेब प्रेस मीट के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ, ये हमेशा से ये कहता और मानता आया है कि हम है वही हम थे जहाँ, नो मैटर वॉट। आप सभी का आज के स्पेशल वेब प्रेस मीट में स्वागत है। आशा है कि आप अपने अपने घरों में और जहां से ये सब देख रहे हैं आप सेफ है। मेरा नाम अदा है एंड मैं आपके साथ इस पूरे मीट में होंगी। सोनी सब का हमेशा से एक मकसद रहा, अपने दर्शकों में हल्के फुल्के मूल्यों भरे कॉन्टेंट से खुशी वाली फीलिंग बांटना। और ये बहुत खुशी की बात है कि फैंस को भी सोनी सब के शोज का ये जो हल्का फुल्कापन है वो बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है। आराम शो इस मुश्किल घड़ी में भी फैंस ने सोनी सब के किरदारों और शोज को खूब सराहा है एंड किरदारों के साथ एक अपनापन सा लगा है। तो जो प्यार इस चैनल को पिछले महीनों में मिला है, गौर फरमाइएगा, जो पिछले इन महीनों में भी मिला है, उसके लिए सोनी सब दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता है। हम जानते हैं कि दर्शक आस लगाए बैठे हैं कि भाई कब हम तुम्हारे चहेते शोज के फ्रेश एपिसोड देखेंगे, वापस आएंगे। अब इंतजार की घड़ी जल्द खत्म होने वाली है। वी गोना हैव फ्रेश एपिसोड्स ऑफ ऑल योर फेवरेट शोज इंक्लूडिंग लखनऊ पुलिस स्टेशन की शान, मैडम सर। तो विदाउट मच फर्दर अडू शुरू करते हैं आज का ये खास सिलसिला। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आप ताली बजा रहे हैं, सो ये सोनी सब परिवार की ओर से मैं अदा आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ आज हमारे साथ इस खास वर्चुअल मंच में शामिल होने के लिए। कभी सोचा था कि ऐसा भी होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे जितना ही एक्साइटेड हैं। और आज आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी जरूरी पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहती हूँ, प्लीज इसे ध्यान से सुनिए। आई होप आपने अपनी अपनी वॉल्यूम बढ़ा कर रखी है। पॉइंट नंबर वन, कि हम सभी का जो ऑडियो एंड वीडियो है वो हमने म्यूट पे रखा है, सिवाय द कास्ट एंड द विमेन पुलिस ऑफिसर्स आर गेस्ट ऑफ ऑनर हु वी आर वेरी डिलाइटेड टू हैव विदिन अस। एंड पॉइंट नंबर टू, सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर होगा कास्ट के साथ। तो अगर आपके पास कास्ट के लिए कोई सवाल है तो आप जो क्वेश्चन आंसर बॉक्स के नीचे आप वहां पर लिख दीजिए, अपना नाम भी लिख देंगे तो बढ़िया मजा आ जाएगा। कौन से मीडिया हाउस से है, टू ऑल माय रिस्पेक्टेड मीडिया फ्रेंड्स एंड फ्रेटर्निटी। एंड पॉइंट नंबर थ्री, अगर इवेंट के दौरान किसी भी तरह का टेक्निकल इशू होता है तो वहां दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या ईमेल एड्रेस पे कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके ओके, सो वी डन विद द हाईलाइट पॉइंट्स। एंड हम जानते हैं कि आप हमारे मैडम सर की पुलिस अफसरों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं, क्योंकि आई डेफिनेटली एम। आज ये कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है मुझे कि हमारे ऑन स्क्रीन पुलिस अफसरों के साथ रियल लाइफ वुमेन पुलिस ऑफिसर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन जो इस वक्त सब शामिल है, अगेन मैं कहना चाहूंगी, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि तालियों की गड़गड़ाहट है हर जगह। प्लीज वेलकम रेणुका मिश्रा मैम, एडिशनल डायरेक्टर जनरल यूपी पुलिस, एंड चारु निगम मैम, डीसीपी फॉर क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड सेफ्टी लखनऊ। ये कहते हुए मतलब मैं गर्व महसूस कर रही हूँ, आई एम सो मोटिवेटेड। जय हिंद मैम, आपको यहाँ हमारे बीच पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स एन ऑनर ऑनर टू हैव यू ऑन बोर्ड, थैंक यू सो मच। हमारे इस वेब मीट में आपका स्वागत है एंड ये अपॉर्चुनिटी हम लेना चाहते हैं to thank you and the entire police force जो कि relentlessly service कर रहे हैं, खास करके इस मुश्किल घड़ी में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं एंड हमारी सेफ्टी इंश्योर कर रहे हैं ताकि हम ये सब कर पाए। सो थैंक यू सो मच, आपके आपका कितना भी शुक्रिया अदा कर रही हूँ बहुत कम है। सो मैं कह नहीं सकती मैं कितनी खुशी महसूस फील कर रही हूँ, थैंक यू सो मच। हम बहुत एक्साइटेड हैं आपके साथ बातें करने के लिए। मैं आपकी बातें सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, हम सब एंड मैं पर्सनली। तो बिना वक्त और जाया किए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी होनहार वंडरफुल इंस्पायरिंग महिला पुलिस अफसरों को जो सबका मनोरंजन करती है, हमारा मनोरंजन करती है, इन द शो मैडम सर। सो लेट्स वेलकम नंबर वन, गुलकी जोशी, AKA स्टेशन हाउस ऑफिसर हसीना मलिक। आय हाय, देखो तो इन्हें प्यार से प्यार करना जो आपको सिखाए, जो डंडों से नहीं प्यार से बात करने में विश्वास रखती है। नाउ दैट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क, आई एम श्योर हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो इससे अग्री करती होगी। एंड हमारी गेस्ट नंबर टू, आर पुलिस ऑफिसर नंबर टू, युक्ति कपूर, AKA कड़क करिश्मा, नाम से ही जाहिर हो गया गुलकी की बिल्कुल ऑपोजिट आई है, बट माशाल्लाह क्या करें, इनका अंदाज ही कुछ दबंग है। तो फिर से मैं तालियां इमेजिन कर रही हूँ और युक्ति
का स्वागत कर रही हूँ. वेलकम युक्ति, लवली टू सी यू. वी ऑल्सो हैव भाविका शर्मा एज कॉन्स्टेबल सासी, संतोष शर्मा जो हसीना जी और करिश्मा जी से बहुत प्रेरित होना चाहती हैं और जो दर्शकों को सबसे ज्यादा हंसाती हैं. नमस्ते. अब हंसाना भी अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत थकान भी होती है एंड वो जरूरी भी होता है. सो ये आप सब भी कर रही हैं. सो वाओ, दैट्स अमेजिंग. सोनाली तबीयत इज अ लिटिल नासाल, सो वी आर गोना गो अहेड विद दिस. गुल की युक्ति भाविका एज अ पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन फॉर द रोल्स, मैं आपको पूछ रही हूँ. इनफैक्ट शो के शूट्स के पहले भी आप सबने रियल यू नो पुलिस ऑफिसर से ट्रेनिंग ली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट आज भी आप इंस्पिरेशन लेती हैं, यू आर ऑल्सो गेटिंग दैट इंस्पिरेशन फ्रॉम माई एस्टीम्ड पुलिस ऑफिसर जो हमारे साथ हैं, रेणुका मैम, चारू मैम. तो यू नो कैसा लग रहा है आपको? फर्स्टली जय हिंद मैम, रेणुका मैम एंड चारू मैम. एंड सेकेंडली, तब भी बहुत अच्छा लग रहा था और आज भी बहुत अच्छा लग रहा है और हमेशा अच्छा लगेगा. जब एज एन एक्टर जब आप एक किरदार प्ले करते हैं तो आप उसके बारे में स्टडी करते हैं, आप उनको देखते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, लेकिन जब आपको रियल में उनको जानने का मौका मिलता है तो वो फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड होती है. एंड वो फीलिंग मैंने तब भी महसूस की थी जब मैंने छोटी छोटी बारीकियां देखी थी, क्योंकि हमें एक भी मिस्टेक नहीं करनी थी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार मैं निभा रही हूँ इसमें. एंड मुझे कुछ किसी को भी कुछ भी एक छोटी सी गड़बड़ करके भी कुछ नहीं करना था, इसलिए हमने रियल ऑफिसर से ट्रेनिंग ली थी. और आज आपके सामने आई एम फीलिंग, आई डोंट नो, वो अमेजिंग फीलिंग है ये आपको देखना भी. आप आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू, इस समय जो ये 2-3 महीने हम सबके निकले, आप सबने हमें सिक्योर करने के लिए, हम घर पे खुश रहें, ठीक रहें, आप बाहर गए और आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद. चारू मैम, रेणुका मैम की भी बातें सुनी हैं, सो आई एम गोना लीव यू गाइस एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम माय एस्टीम्ड गेस्ट. एंड मैं एक बहुत मुश्किल चीज करूंगी, खुद को म्यूट पे करूंगी. सो आई विल लीव द कास्ट एंड आवर गेस्ट टू फॉलो. Hi, everybody can hear me? Yeah. Yes. Yeah. We can hear you. How can we not hear you? Sorry, थोड़ा सा कुछ ऑडियो का कुछ इशू हो गया था. बट एज आई वॉज सेइंग अर्लियर कि आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड टू बी इन योर प्रेजेंस. आपने सिर्फ पुलिस फोर्स का ही नहीं, एज अ वुमेन महिलाओं का जो है, you make us proud. I mean, I have no words. You make us proud. You, आपने इतने लोग, हम तो सिर्फ कलाकार हैं, हम सिर्फ एक्टर्स हैं, हम सिर्फ पुलिस बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, बट आपने सच में जो काम किया है या जो कर रहे हैं, इट मेक्स अस फील कि हाँ भाई, हम भी कुछ कर सकते हैं. सब जो छोटी छोटी जो इतनी सारी लड़कियां हैं, यू हैव नो आइडिया आपने कितने लोगों को इंस्पायर किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, इट इज सो गुड टू हैव यू हियर, इट इज सो गुड टू सी यू. मैं एक्चुअली आपसे ना कुछ सवाल पूछना चाहूंगी, इफ यू डोंट माइंड, चारू जी एंड रेणुका जी. सवाल ये है कि ये जो अभी मुश्किल समय चल रहा है, अभी का समय ही क्यों कहें, ओवरऑल जिंदगी में आई एम श्योर आपने बहुत मुश्किल समय देखा होगा, बहुत कठिनाइयों का सामना किया होगा. ऐसी कोई एक पर्टिकुलर बात या ऐसा कुछ एक जो आपको सबसे मुश्किल लगा हो, जो लगा हो कि यार ये क्या है, मतलब ऐसा कुछ हुआ जिससे लगा कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है. रेणुका मैम, प्लीज आंसर. सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो. एंड आपके नाम मुझे इतनी जल्दी याद नहीं आएंगे, बट आई नो यू बाय योर स्क्रीन नेम्स. सो यू आर द थानेदारनी ऑफ द शो. एंड लेट मी स्टार्ट विद दैट. तो आप लोगों का जो डायलमा होता है, हसीना का और करिश्मा का जो डायलमा होता है कि जो तरीके हैं वो जस्टिफाई करते हैं अंजाम को, कि अंजाम जस्टिफाई करता है तरीकों को, तो ये एक रेगुलर एक इश्यू रहता है पुलिस में भी कि जो हम कर रहे हैं वो रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हुए हम लोग करेंगे तो अंजाम सही आएगा, या हम कुछ भी करें जो पब्लिक चाहती है कि हम करें वो ज्यादा सही होगा, कौन सा सही होगा. सो दिस ट्रू डायलेमा दैट यू शो हसीना एंड इज वेरी अकिन टू रियल लाइफ. तो हम लोगों की जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में ही हम लोगों को सिखाया जाता है क्या सही है,
तो अगर हम लोग इस चीज को याद रखेंगे हमेशा कि जो सही है वही चीज हमको करना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कोई ऐसा डायलेमा दिमाग में नहीं होता है अगर आपके नॉर्मल भाषा में। तो किससे तो खैर बहुत होते हैं जिंदगी में, जो अब हम कहाँ से शुरू करें, बट यू नो यू रियली आई एम टॉट टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग विल बी डिफिकल्ट, देयर इज नथिंग दैट्स इजी रियली इन लाइफ। सो इफ यू आर विलिंग टू पुट इन सम हार्ड वर्क देन आई थिंक दोज थिंग्स बिकम इजी। उस समय उस क्षण में जो आपको लगता है कि ये चीज करना चाहिए और आप गाइड होते हैं कि जो आपको सिखाया गया कि ये सही है, रूल ऑफ लॉ है, ये सही है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज हो जाता है। तो इतनी तो ट्रेनिंग हो जाती है कि कोई चीज को हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये बहुत कठिन है, हमको तो करना ही है, हमको तो वहां एक ही क्षण मिलता है हम लोग को करने के लिए। सो आई कांट रियली गिव यू दैट। जो कठिन होता है वो जो अपेक्षाएं होती हैं हमसे, या जो स्टीरियोटाइपिंग होता है एक तरह से कि आप पुलिस ऑफिसर हैं तो आपको ऐसे बिहेव करना चाहिए। अगर आप फीमेल पुलिस ऑफिसर हैं, लेडी पुलिस ऑफिसर, देयर इज नो सच थिंग एज लेडी पुलिस ऑफिसर, मतलब पुलिस ऑफिसर होता है चाहे वो लेडी हो चाहे आदमी हो। आप अगर संजीदा हैं, आप अगर आप सेंसिटिव हैं, तो वो एक स्टीरियोटाइपिंग भी हो सकता है, यू नो। बट देयर आर मेनी मेल ऑफिसर्स हु आर सेंसिटिव, देयर आर मेनी मेनी फीमेल ऑफिसर्स हु माइट नॉट बी सेंसिटिव। तो जो अपेक्षाएं हैं लोगों की और जो स्टीरियोटाइपिंग होता है कि अच्छा आप पुलिस में आए हैं तो आपको डंडा बजाना ही है, आपको ये करना ही है, हर कोई करता है कहीं ना कहीं होता ही है, लेकिन वो थोड़ा सा यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट। हम तो अपने जूनियर्स को यही कहते हैं कि आप अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट आप रखिए और जो आपकी ट्रेनिंग है उसी के हिसाब से चलिए। आपको कोई किसी और की तरफ बनने की कोशिश आपको नहीं करनी है, आपको जैसा आपको नेचुरल होता है वही करिए। सो आई फील दैट थिंग्स आर डिफिकल्ट, लाइफ इज डिफिकल्ट, आई मीन पुलिस ऑफिसर और नो पुलिस ऑफिसर, लाइफ इज डिफिकल्ट एंड लाइफ इज टेरिबली ईजी ऑल्सो। So it just depends upon how you think about it. I think I've spoken a little more than what probably you asked me, but yeah. Ma'am, isliye Renuka ma'am, aap hain. बहुत अच्छा लगा आपका आंसर सुनके। एक-एक सवाल मेरा भी है, मैं भी एक सवाल पूछना चाहूंगी। और मेरा सवाल, क्योंकि मेरा कैरेक्टर करिश्मा का ऐसा है कि थोड़ा गुस्से वाली है ये, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप ड्यूटी पर होती है तो आप कब डिसाइड करती है कि कब मैं गुस्सा दिखाऊं और कब मैं शांति से काम लूं? मतलब ऐसे मौके आए होंगे आपके जब आपने सोचा होगा कि गुस्सा बहुत आ रहा होगा लेकिन आपने शांति से काम किया होगा, और जब शांति से काम आप लेना चाहते होगी लेकिन किसी को गुस्सा दिखाना जरूरी है, तो हाउ डू यू, मतलब आप कैसे मैनेज करती हैं, कभी कभी कैसे डिसाइड करती हैं? कभी गुस्सा दिखाना जरूरी हो जाता है, लेकिन अगर आप अंदर से गुस्सा हो जाते हैं तब गलतियां हो जाती हैं। तो गुस्सा दिखाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है तो हो सकता है कि आपके हाथ से कुछ ऐसा हो जाए जो गलत हो। सो गुस्सा तो आता है, ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आया हो, बहुत गुस्सा आया अपनी जिंदगी में, लेकिन अच्छा अंदर से भी गुस्सा आया, आई बी ऑनेस्ट, दोनों चीज हुआ है। कभी कभी बहुत अन्याय हो जाता है क्योंकि हम लोग अपनी जैसे स्पेशली विमेन क्राइम्स में, मैं आगरा में पोस्टेड थी तो एक कपल थे, कैन आई शेयर एन एक्सपीरियंस, इज दैट ओके? यस 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 ऑफ कोर्स मैम। सो देयर वाज दिस कपल जो मजदूर थे, वो आए थे, वो मेरे ऑफिस के बाहर वैसे ही घूम रहे थे, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो आए और बहुत दुखी थे। तो आए और उन्होंने बोला कि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो हमने कहा क्या हुआ, तो मैं एएसपी थी, मैंने नौकरी शुरू ही की थी एक तरह से, तो उन्होंने अपनी छोटी बच्ची थी, मतलब इतनी 8 महीने की रही होगी, उस बच्ची को उन्होंने मेरे टेबल पे ऐसे और फिर बच्ची के साथ क्या हुआ, उन्होंने बस उसका फ्रॉक उठाया और मुझे दिखाया, वो मैं दहल गई देख करके कि 8 महीने से उनके जहां वो मजदूरी करते थे उस कंस्ट्रक्शन बेटे ने रेप किया। दिस इज स्टक विथ मी फॉर एवर एंड इट विल स्टिक विथ मी फॉर एवर। तो इस तरह की परिस्थिति में फिर अंदर से जो आता है वो एक गुस्सा जो आता है कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये समाज ऐसे कैसे हो सकता है। तो अब इसके अब दो विकल्प होते हैं कि या तो फिर हम अपने गुस्से को ही निकाल दें तो फिर उसका कोई फायदा
उसके आगे नहीं, मतलब मेरा गुस्सा तो निकल गया लेकिन आज तक नहीं निकल पाया, मतलब वो चीज मेरे दिमाग में है ही है, या तो फिर उसको सही अंजाम तक पहुंचाऊं। तो देयर आर ओनली टू वेज। सो ये जो गुस्सा है वो आता है, उस गुस्से का अगर हम सदुपयोग करें कि भाई समाज में इस तरह से हो रहा है तो इसमें हम होने ना दें, तो देन इट्स अ बेटर ऑप्शन आई फील। केवल गुस्सा उतारने से फिर कोई ऐसा फायदा नहीं होता है, और वो बुमरैंग भी कर सकता है जैसे करिश्मा के मामले में हो रहा है कई बार, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट। हमेशा होता है, मेरा गुस्सा हमेशा गलत पड़ता है। टाइम आएगा जब आप सही होंगे, जब दोनों चीज मिल जाएंगी। आपका आपका जवाब सुन के मैडम सर अभी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वो हमेशा मुझे समझाती रहती है और मैं समझती नहीं हूँ। चारू मैम, मैं आपसे भी सेम सवाल पूछना चाहूंगी, आपको आपको भी गुस्सा आता है तो आप कैसे कंट्रोल करती हैं तब? युक्ति लाइक मैम ने बोला अभी, रेणुका मैम ने बहुत ही एक एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर की तरह बताया। आई एम ओनली 6 years इन द सर्विस एज ऑफ नाउ। तो मैं यही शेयर करूंगी कि जैसा मैम ने बोला, हम ह्यूमन है तो गुस्सा तो आएगा ही, और जैसे एक एक्सपीरियंस मैम ने शेयर किया, गुस्सा आना स्वाभाविक है। एंड एज अ लेडी ऑफिसर, एज अ लेडी एंड एन ऑफिसर, लाइक मैम सेड लेडी ऑफिसर कुछ नहीं होता, तो यू आर अ लेडी फर्स्ट एंड देन एन ऑफिसर इन द प्लेस यू आर, तो आपको गुस्सा आएगा। बट हमारी ट्रेनिंग में हमें ये बताया जाता है, व्हेन अ पुलिस ऑफिसर गेट्स एंग्री, दैट इज द टाइम यू स्टॉप बीइंग द ऑफिसर, यू बिकम द पब्लिक दैट यू आर देयर टू सर्व। तो आप उस टाइम पे अगर एक जनरल पब्लिक की तरह बिहेव करने लग जाएंगे एंड यू डोंट टेक केयर ऑफ हाउ यू आर, आप कैसे उस स्थिति को संभाल रहे हैं उस टाइम पे, कैसे उसमें रिएक्ट कर रहे हैं, तो यू डोंट रिमेन अ पुलिस ऑफिसर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब कभी गुस्सा आता है, मतलब मेरा भी एक बहुत वैसा रहता है कि गुस्सा तो बहुत ही आता है, बट देन व्हेन यू आर इन दैट सिचुएशन एंड यू आर द ऑफिसर पर से एंड यू हैव टू एक्ट एज पर लॉ, सो यू हैव टू टेक अ बैक सीट एंड देन You send the police officer ahead and तब आपको लगता है कि हाँ आप एक officer की तरह legally काम करेंगे and you keep a poker face। आपको वो जो एक हमारे मतलब as women I think we are more expressive, मतलब ये नहीं बोलूंगी कि महिलाएं expressive होती हैं और पुरुष नहीं होते हैं, but we feel more and we are more expressive। हमारे face पे बहुत दिखता है, at least मेरे face पे बहुत जल्दी दिखता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं किसी से irritated हूँ। So that's a continuous exercise that you need to do, that even if you are angry with the person who has come to you and somebody who has to keep a phone, you have to act accordingly है उस तरीके से आप काम करें, that keeps the thing simple। अगर आप उस समय आपको लगे मैंने अपना गुस्सा निकाल दिया, गुस्सा तो आपने निकाल दिया, but you complicate those things and that is not good for you or the system or for the society at large, क्योंकि हमें एक jurisprudence का जो system है उसको maintain करना है। We have to make sure that people have faith in the system। ऐसा ना हो कि लोग ये सोचे अच्छा ये भी हमारी तरह है, they start relating to you as if you are a part of your family, no, they need to see you as officers that you would do right by what is right। तो हमें एक balance बनाना पड़ता है, गुस्सा आना स्वाभाविक है, गुस्से को understand करना that yes अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, इसको face से कैसे करना, when you understand कि गुस्से में हो तो आप उसको control कर पाते हो, but when you are just at rage and you just react तो वो निकल जाता है and that is no good। मैम मुझे आप लोगों की सारी बातें सुनकर जो है एक हसीना मलिक का बड़ा अच्छा सा डायलॉग याद आ रहा है, जो आई थिंक इस सारे पूरे डिस्कशन को एक अच्छे से कंक्लूड करेगा कि बहादुरी के ऊपर समझदारी का अंकुश होना बहुत जरूरी है। तो गुस्सा आए, प्यार आए, आपको घिन आए, आपको कुछ भी आए, आपके अंदर कोई भी इमोशन उमड़ रहा हो, पर जैसा कि आपने अभी कहा, जैसा रेणुका मैम ने कहा कि उस वक्त जो है उस वक्त के लिए समझदारी से काम लेना और अपने गाइड और अपने आपकी जो ट्रेनिंग है उसको ध्यान में रखकर अकॉर्डिंगली एक्ट करना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच। मैं जितनी आप लोगों की बातें सुन रही हूँ ना, मुझे लग रहा है मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे लग रहा है मैं क्यों एक्टर बन गया, मुझे सच में पुलिस ऑफिसर बनना चाहिए। आप तो कितना अच्छा काम कर रहे हो। मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल मैम के लिए
कि एज पुलिस ऑफिसर्स इतना मुश्किल टाइम जो चल रहा है उसमें खुशियों वाली जो फीलिंग होती है वो हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं? रेणुका मैम बताएंगी, मैं बताऊं? मैं ही बताती हूँ. बेसिकली डिफिकल्ट टाइम्स तो हमेशा आते हैं, बट दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड टाइम. इससे पहले हमने ये वाला टाइम नहीं देखा. जैसे शो के स्टार्टिंग में एंकर सेड, अदा ने बोला था, समथिंग विच इज वेरी न्यू, जो पहली बार लोग देख रहे हैं. और वो अपने आप में ऐसा नहीं है कि हम ट्रेन है उसके लिए, हमें ऐसा करना होगा, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें पहले से सिखाया गया है. एज पुलिस ऑफिसर्स जब आपको कोई ऐसा चैलेंज आता है जो अभूतपूर्व है, वो आपने कभी नहीं देखा, सो दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी. बिकॉज आपसे पहले जितने लोग रहे उन लोगों का कोई आपके पास प्रेसिडेंट नहीं है, उन्होंने ऐसा किया ऐसी स्थिति में. तो हाउ यू कैन बी अ ह्यूमन बीइंग एज वेल एज अ पर्सन. बिकॉज जब लॉकडाउन हुआ, ऐसे मैं फॉर एन एग्जाम्पल शेयर करती हूँ, मैं वुमेन क्राइम के साथ ट्रैफिक भी देखती हूँ. तो एक टाइम आया जब लोग बहुत ही दुविधा में थे कि निकले घर से कि ना निकले. बट वेन इट इज अटमोस्ट रिक्वायर्ड, जब कोई व्यक्ति बीमार है, किसी को अपने घर से जाना बहुत जरूरी है, तो वहां पर हमारा पुलिस में बोलता है कि एक आपको जो निर्देश मिल गया आप उस पर स्टिक करते हो, उसके आगे पीछे आपको नहीं दिखाई पड़ता. जो बोल दिया वो है, मतलब दैट इज रूल, आपको फॉलो करना ही है. बट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हमने एक ड्यूअल टाइप्स के दिए, आपको किसी को जाने नहीं देंगे, आपको लॉकडाउन इंश्योर करना है, लेकिन आप इन 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 सब लोगों को जानने देंगे. सो देयर वाज अ क्लियर डाइकोटमी. एक जो हमारा ग्राउंड लेवल पे पुलिस ऑफिसर था उसको दो टाइप की चीजें करनी थी, कि उसको रोकना भी था और उसको नहीं भी रोकना था. तो ये जो डाइकोटमी है वो लास्ट मैन तक हमें कैसे पहुंचानी थी, दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग. सो वी गॉट टू द ह्यूमन इन द पुलिस. और यही हुआ कि आप ये सोचिए, जब आपका परिवार घर से निकल रहा है इन द लॉकडाउन, सो हाउ वुड यू वॉन्ट द पुलिस ऑफिसर इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और इन दैट पर्टिकुलर एरिया टू बिहेव? तो वो अंदर से जो निकल के आया, आई थिंक जिस जिसने भी इस चीज को अंडरस्टैंड करके पुलिसिंग उस टाइम पे की है, मतलब पूरे लॉकडाउन में की है, वो खुशियों वाली फीलिंग डेफिनेटली वो लोगों तक दे पाया होगा कि अच्छा, ये पुलिस वाला मेरे मेरे ही घर वाले की तरह मेरे से बिहेव कर रहा है, कि वो रोक भी रहा है क्योंकि ही इज स्टैंडिंग देयर एट अ रिस्क. वो अगर मैं वहां ड्यूटी कर रहा है तो ही इज इक्वली एट रिस्क लाइक एवरीबडी एल्स इज, बट वो ड्यूटी भी कर रहा है और आपको समझ भी रहा है. तो मुझे लगता है दिस वुड हैव गिवन, एंड वी हैव अ फीडबैक दैट पीपल हैव एक्चुअली अप्रिशिएटेड, कि लोगों ने बहुत अच्छा, पुलिस ने ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत ह्यूमन फेस एक अपना दिखाया और बहुत अच्छे से काम किया. ब्रिलियंट ब्रिलियंट रेणुका मैम, वेलकम बैक. थैंक यू चारू मैम, इट्स लवली टॉकिंग टू यू ऑल. मैं आपसे एक और एक चीज पूछना चाहती हूँ कि एज अ लेडी पुलिस ऑफिसर, स्पेसिफिकली एज अ फीमेल पुलिस ऑफिसर, आपको क्या लगता है कि आप क्या अलग लाती हैं टेबल पर दुनिया में, फोर्स में या लोगों के लिए? मतलब बीइंग स्पेसिफिकली अ वुमन, पुलिस फोर्स बहुत बड़ा है, बट आपको क्या लगता है कि औरत होकर कहाँ वो एक डिफरेंस है कि अगर ये एक मर्द पुलिस ऑफिसर होता तो शायद ऐसे रिएक्ट करता, पर मैं हूं तो मैं ऐसा कर रही हूँ, वो कुछ क्या आपको एक डिफरेंस फील होता है या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, एनीथिंग? रेणुका मैम प्लीज. लगता है कि ऑल्दो फिर भी मतलब ये फिर एक तरह का स्टीरियोटाइपिंग है जिसके खिलाफ मैं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सेंसिटिविटी एक चीज है जो हम लोग लाते हैं इस चीज में, क्योंकि एक नेचुरली हम लोग सेंसिटिव होते हैं. ऐसा नहीं है कि मेल पुलिस ऑफिसर्स नहीं होते हैं, लेकिन एक ऑटोमेटिक न केवल हम सेंसिटिव होते हैं, जो हमारे पास आते हैं वो प्रिज्यूम करते हैं कि हम सेंसिटिव हैं. तो उससे एक फायदा ये होता है कि वो खुल के बताते हैं अपनी बात. तो इवन अगर मान लीजिए एक सेकंड के लिए हम नहीं है सेंसिटिव, लेकिन क्योंकि जो पब्लिक वाला हमारे पास आ रहा है वो सोचता है कि ये सेंसिटिव होंगे तो वो अपनी बात खोल के बताते हैं. सो इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज फर्स्ट स्टेप ये है कि पुलिस को पब्लिक के पास आनी चाहिए, आना चाहिए. पुलिस अगर पब्लिक के पास नहीं, पब्लिक को पुलिस के पास, सॉरी, पब्लिक शुड कम टू द पुलिस. अब वहीं पे वो डरते हैं. अगर एक फीमेल पुलिस ऑफिसर है तो हो सकता है वो ना डरे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. ये सोच करके वो आते हैं कि ये सेंसिटिव होंगे, ये हमारी बात को नहीं टालेंगे, ये सुनेंगे. एक और जो दिमाग में जो रहता है कि जो ट्रेडिशनल ब्रेड अर्नर है फैमिली का, मतलब एक ट्रेडिशनली सोसाइटी में और इंडियन सोसाइटी में वो औरत नहीं है.
वो मेल है, तो अगर औरत कोई नौकरी कर रही है तो वो कुछ और देख करके कर रही है, वो केवल उस पैसे के लिए नहीं आ रही है, शी इज लुकिंग फॉर समथिंग मच मोर देन दैट. तो वो जो जनरल वैल्यूज के करप्शन होते हैं या इंटेग्रिटी के करप्शन होते हैं, वो उस जनरली उस चक्कर में, अब ये मैं बहुत एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे रही हूँ, लेकिन वो नहीं पढ़ते होंगे ये मैं सोचती हूँ, ये मेरा ओपिनियन है और ये पब्लिक भी सोचती है इनिशियली. तो उसके चलते ये जो रैपो होता है, वो रैपो मुझे लगता है कि अच्छा बन पाता है. सो आई फील दैट वी ब्रिंग दैट सेंसिटिविटी टू द सिस्टम ऑल्सो. हम न केवल पुलिस और पब्लिक के बीच में, इवन एज अ पुलिस ऑफिसर मेरे सबॉर्डिनेट्स होते हैं तो वो एक तरह का एक रिश्ता जोड़ने लगते हैं. मतलब मैं तो पता नहीं कितने लोगों की माँ बन चुकी हूँ. वो कहीं ना कहीं आपके बाल सफेद हो जाएंगे तो वो अपनी माँ समझेंगे और वो भी पता होने लगता है. तो ये एक अच्छा कहिए, बुरा कहिए, जो भी कहिए, बट एक ऑटोमेटिक सा ट्रस्ट एक स्थापित हो जाता है जो हमारे लिए करने के लिए कन्वीनियंट हो जाता है. इवन अगर हम एक रायटस सिचुएशन में जाते हैं या कहीं भीड़ में जाते हैं तो हमको लगता है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल एक नॉच बेहतर होता है, ऐसा मुझे लगता है. अब अगर आप कोई मेल पुलिस ऑफिसर इस पे बुलाते तो वो इस पे झगड़ा करते हैं और आप क्या नाम है उसका, चीता तो दो चार सुना ही देता, लेकिन ये मेरी फीलिंग है और मुझे ये बहुत काम देता है अपनी जिंदगी में अभी तक. इट्स आई थिंक इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी टू बी अ लेडी एंड अ पुलिस ऑफिसर. सो बीइंग बोथ इज एन एडेड एडवांटेज, क्योंकि मुझे ट्रस्ट मिलता है ऑटोमेटिक, मुझे सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली आती है. हाँ, थोड़ा टाइम लगता है लोगों को विश्वास दिलाने में, क्योंकि अब जैसे ये यूपी है, यूपी काडर है, जब हम शुरू में आए थे तो बहुत कम पुलिस ऑफिसर्स थे, अब चारू है बहुत सारे, हम लोग काफी हो गए हैं. तो बेसिक प्रॉब्लम ये रहता है ना कि क्योंकि हम लोग गिनती में कम है तो इसीलिए इनिशियली थोड़ा अजूबा की तरह देखते हैं लोग. मैं फर्स्ट एसपी थी जौनपुर में तो केवल मुझे देखने के लिए चले आते थे लोग. प्रॉब्लम भी था, मान लो कोई मेल का कोई इश्यू है, उसका कोई प्रॉपर्टी का इश्यू है, तो मैं देखती थी कि वो अपनी बीवी को भेज रहा है आगे, तो उसको लगता था, उसको भी अनकंफर्टेबल लगता था कि मैं कैसे बोल दूं, अच्छा ये अगर इनको सुनाएंगे तो हो सकता है कि कुछ न्याय हो. सो एक कंफ्यूजन सा रहता है और हम लोग अजूबे की तरह हम लोग पेश आते हैं लोगों को कि अरे ये अब इनके साथ कैसे करना है, क्या करना है. इवन ऑफिसर्स कभी कभी सोचते हैं, मेरे जो ट्रेनर थे वो भी सोचते थे कि इसको बुलाएं कि नहीं बुलाएं, मतलब मर्डर हो गया है आधी रात को, रोड होल्डा बोल रहा है, कंट्रोल रूम को बोले कि नहीं इसको जगाने के लिए कि नहीं. तो मैंने फिर उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया, मैंने कंट्रोल रूम को सीधे बता दिया कि कहीं घटना हो जाए, ये अंडर ट्रेनिंग थी, कहीं घटना हो जाए सबसे पहले मुझे बताना, मैं पहुंच जाऊंगी. तो जब मैं पहुंचने लगी तब लोगों को लगा कि अच्छा ठीक है, मतलब ये इसको बोला जा सकता है. जब मैंने परेड कमांड किया तो फिर लोगों को लगा अच्छा ये परेड कमांड कर सकती है, ओके ठीक है. यू नो यू हैव टू कीप प्रूविंग योरसेल्फ. सो समटाइम्स इनिशियली हम लोगों के लिए, जो हम लोग थोड़ा सा मैं 90 बैच की हूँ तो उस टाइम पे बहुत सारे नहीं थे, तो उस चीज को हाँ हमको ज्यादा प्रूव करना पड़ता है हमारे मेल कोलीग से. कुछ एक ऑटोमेटिक प्रिजम्पशन उनके लिए हो जाता है जो हमारे लिए हो सकता है इनिशियली ना हो, बट आई अंडरस्टैंड इट, क्योंकि वो कल्चर है, ये यू नो इस व्हाटएवर सोसाइटी का कल्चर आप लगा लीजिए. लेकिन एक बार अगर आपने कर लिया तो देन आई थिंक इट्स इजी फ्रॉम देयर. मैम एक्चुअली आई एम सो सॉरी आई एम कटिंग यू, पर मैं आप लोगों से प्लीज एक थोड़ा सा पर्सनल और थोड़ा सा मस्ती कर सवाल पूछ सकती हूँ क्या? मुझे थोड़ा डर लग रहा है पूछने में. अब इतनी दूर हो सोशल डिस्टेंसिंग में कुछ मुझे एक बात बताइए, अभी हसीना मलिक के साथ एक ट्रैक आया था, ट्रैक जाने दीजिए, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कि एक तो वैसे पुलिस वालों से सब बहुत डरते हैं, ठीक है, ऊपर से फीमेल पुलिस ऑफिसर से तो और ही डरते हैं. कभी ऐसा हुआ है चारू मैम आपके साथ या रेणुका मैम आपके समय में कि कोई आपको लड़का पसंद हो लेकिन वो बेचारा आपसे बात ही नहीं कर पा रहा है डर के मारे क्योंकि आप पुलिस ऑफिसर हो,
ऐसा कभी हुआ है क्या? जब मैं पुलिस ऑफिसर नहीं थी तब की कहानी तो डिफरेंट है, क्योंकि कोई क्यों डरेगा मुझसे, है ना। फिर मैं जब पुलिस ऑफिसर बनी तो मुझे जो पसंद आया लड़का, वो भी मेरा बैचमेट था, तो वो भी पुलिस में था, तो कौन किससे डरे। एंड देन आई गॉट मैरिड टू हिम, सो ऑल इज गुड। ओ वाओ, एक मेरा भी सवाल है। बहुत सारे सवाल है, मैं पूछना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ चारू जी, आप प्लीज बताइए, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगी। आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ। तो मेरी शादी तो मतलब जैसे मैम ने बताया आफ्टर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर ही हुई थी, एंड वी आल्सो मेट इन अ ट्रेनिंग, बट माय हस्बैंड इज नॉट इन पुलिस लाइक मैम एंड सर आर इन पुलिस। तो हम मतलब लाइक तो करते हैं, लेकिन ये होता है थोड़ा तो रहता है कि अरे पुलिस वाली है, इसे बात हो कि ना हो, थोड़ा सा वो रहता है। देन व्हेन यू आर नॉट जस्ट when you are training together, then you get to know the person ki achha nahi police mein hai aur as a person you are there, so aisa nahi hua. Okay, show mein mujhe bhi married dikhaya hai ki Karishma married hai, to ghar mein maine aapse seekha hai ki ghar mein main police wala behave nahi karungi apne pati ke sath. एक सवाल मेरा ये है कि ये जो हमारा शो है सोनी सबका मैडम सर, इसका जो ये कॉन्सेप्ट है महिला पुलिस थाना, ये आप दोनों को मतलब कैसा लगता है, आपके क्या व्यूज है इसमें, हम ये जानना चाहते हैं प्लीज। मैम आप बताएंगे। बताओ। मैंने पर से आपका शो अभी देखा है, मतलब प्रोमोज वगैरह देखे थे, तो महिला पुलिस थाना एक जो कॉन्सेप्ट वो है, एग्जिस्ट करता है, महिला पुलिस थाना पुलिस में है, तो वो हमारी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। इवन टिल टुडे वी रिक्वायर अ महिला पुलिस थाना, बिकॉज लाइक मैम वाज डिस्कसिंग, मैम ने बताया कि जो महिलाएं हैं या सोसाइटी का एक कंस्ट्रक्ट है, लोग सोचते हैं कि महिला है तो उनको बताया जा सकता है या वो अच्छे से समझेंगी। एक वो जो माइंडसेट है कि बीइंग अ लेडी, अ वुमन ऑफिसर और अ वुमन कैन अंडरस्टैंड यू बेटर, तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है और इसको आपके शो में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दैट इज वेरी नाइस। और मुझे लगता है कि महिला पुलिस थाना पर से जो लोगों को ऑफर करता है कि कोई भी महिला जो कि किसी भी एक क्राइम से पीड़ित है या एक उसके साथ कोई घटना हुई है, उसके बाद उसको रिहैबिलिटेट करना, मतलब उसको एक नॉर्मल कोर्स में लेके आने के लिए एक वुमेन ऑफिसर, एक हो गया हम ऑफिसर के लिए, चाहे किसी भी थाने में हो या किसी भी जगह हो, हम जो करेंगे बाय लॉ वो करेंगे, बट एज एन ऑफिसर बीइंग एम्पावर्ड यू कैन एक्चुअली बी एन इंस्पिरेशन एंड यू कैन मतलब आप एक तरीके से उनके लिए एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि व्हेन आई कैन डू इट यू कैन आल्सो डू इट एंड यू कैन कम आउट ऑफ इट, आप उससे बाहर आइए, इंडिपेंडेंट बनिए। तो एक जो एम्पावरमेंट की चीज है कि आप यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे केवल एक जो नॉर्मल थाने से मिले वो ना लेकर जाए, आई थिंक आप अपने भी शो में अगर उसको एक कोई क्राइम होने के बाद महिला कैसे एक नॉर्मल एक जी पाएगी और पावर फील करेगी वो भी लाइक नोटेड, इट्स अ गुड कांसेप्ट। थैंक यू। एंड रेणुका मैम, महिला थाना का जो कांसेप्ट है वो 93 के आसपास, 93 में यूपी में सबसे पहला महिला थाना बना जब मैं एएसपी आगरा थी, तो वो जो सबसे पहला महिला थाना यूपी में जो बना उसमें नहीं उसको एक तरह से बनाया, क्योंकि एक पुराना एक थाना था रकाबगंज, उसके पीछे एक और थाना था डिलैपिडेटेड था, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसको पूरा सेट करने की जिस तरह से मैं चाहती थी कि महिला थाना का जो कॉन्सेप्ट उसमें डालने के लिए,
मैंने सोचा था कि बैरक नहीं हो सकता है सबसे पहले कि विमेन पुलिस ऑफिसर्स विमेन पुलिस स्टाफ वो बैरक में नहीं रह सकती हैं क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेसी डिफरेंट है मेल के कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेसी से. तो मैंने सिंगल रूम बना दिए, फिर मैंने सोचा कि फैमिली भी रखेंगी, बच्चे भी होंगे. तो मैंने वो पूरा पूरा अपना ड्रीम जैसे जो मैंने सोचा था होना चाहिए वैसे मैंने बनाया था. मतलब आई हैपन टू बी एसोसिएटेड विद दैट. इनफैक्ट your creative producer Priya, yeah, Priya Mishra, yes, is my nanad. So, so that's where it comes from. So from then, I mean, she's been seeing it from then. So she made FIR first, then she's, you know, written out this one, Mahila Police Thana, because that's what she's seen also. Usne dekha bhi ki Mahila Police Thana bana, usne wo mehnat dekhi us time pe. तो ये जो महिला पुलिस थाने का कॉन्सेप्ट है वो 93 से यूपी में चला आ रहा है. फिर उसके बाद हर जगह बना, हर डिस्ट्रिक्ट में बना. चारू ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि जो पब्लिक भी सुनती है और समझती है कि महिला पुलिस थाना अगर है तो महिलाएं अपनी बात को रख सकती हैं. मैं क्योंकि अब इतने साल की सेवा हो गई तो मेरा एक थोड़ा सा एक डिफरेंट, अब आई थिंक अब सोसाइटी यहाँ तक इवॉल्व हो चुकी है कि महिला पुलिस थाना ही नहीं, महिला पुलिस थाना तो एक चीज हुआ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम मेल के एक्टिविटी को सैंक्शन कर देते हैं कि केवल फीमेल सेंसिटिव हो सकती है. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो मैंने बोला, लेकिन तो हमने 50% ऑफ द पॉपुलेशन को खत्म कर दिया वहीं पे. तो हम आगे का, हमको लगता है कि ये एक दौर आना चाहिए जब हर एक को सेंसिटिव होना चाहिए. ये एक होना चाहिए कि किसी एनजीओ में जाते हैं तो एक आदमी कुर्ता पजामा पहन करके बैठा रहता है, तो कोई महिला जाकर के अपनी बात कहती है वहां पे. वो इसलिए कहती है क्योंकि उसको लगता है कि ये स्वयं सेवक है, ये एनजीओ है, ये मेरी बात को सुनेगा. ये नहीं सोचती है कि ये आदमी है तो मैं अपनी बात को नहीं कह पाऊंगी, ये औरत है. वो उतने ही सेंसिटिव होते हैं. तो मैं उस पुलिस फोर्स को देख रही हूँ जब महिला पुलिस थाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि हर कोई सेंसिटिव बने और हर महिला, क्योंकि थोड़ा सा एक इनकन्वीनियंस है महिला पुलिस थाने में क्योंकि आप पूरे जिले में एक हैं. तो अगर मान लीजिए मेरा थाना एक्चुअली मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पे है और मेरे साथ कुछ घटना घटी, अब मैं उस थाने पे, हालांकि कहीं भी लिखा नहीं है कि आप उस थाने पर नहीं जा सकते, आप बिल्कुल उस थाने पर जा सकते हैं, लेकिन अगर ये अपेक्षा है कि मैं केवल महिला पुलिस थाने पर जाऊंगी तो मुझे फिर 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा उस महिला पुलिस थाने पे, तो वो भी ठीक नहीं है. तो एक तरह से मुझे लगता है कि हर थाने में ये सेंसिटिविटी आनी चाहिए ताकि जो फीमेल अपनी सेंसिटिविटी को लेकर के आई है इस दुनिया में वो फिर एक्सक्लूसिवली उसका डोमेन ना हो, हर एक का डोमेन हो, क्योंकि पुलिस हैज टू बी सेंसिटिव. We don't have a choice. क्या बात है? I'm going to jump in. I'm feeling very left out, you know. I must say, Charu ma'am and Renuka ma'am, very motivating talks and everything that you said. मेरी तरफ से भी एक सवाल है. Before, you know, yeah, I'm feeling left out. Charu ma'am, especially you. I will start with you because ये question की दो parts है. Number one, what is that first feeling जो आपने ली आपने में और आगे पढ़े? So, what is that one piece of advice जो आप देना चाहेंगे for people who want to just like start in, get into police and service? I didn't get the question. जिनको service में आना है, जिनको आगे बढ़ना है, कुछ करना है for country, for you know, the state, the city as a police officer, आप क्या advice देंगे? जिसको मुझे लगता है कि जो भी पुलिस को एज अ करियर देखता है उसको पहले ये होना चाहिए कि हम जो करना चाहते हैं उसके लिए मे बी वो हमें हमेशा उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा. पहली चीज ये है बिकॉज पुलिसिंग पर से एक नेगेटिव अप्रोच से आता है क्योंकि एक को आप फेवर करेंगे, एक को करेंगे कि नहीं ये चीज गलत है. गलत और सही का जब आपको एक बैलेंस करना पड़ता है तो एक नेगेटिव सा उसमें वो चीज आ जाती है. तो आपको पहले एक टफनेस होनी चाहिए कि हम जो करेंगे, अगर हम वी वॉन्ट टू गो बाय द बुक्स कि हम ठीक करने वाले हैं, तो एक एक अपने अंदर एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि हाँ हमेशा वो चीज एक्नॉलेज नहीं होगी सबके थ्रू कि हाँ ये सही ही करेंगे, बिकॉज एक के लिए सही होगा एक के लिए गलत होगा. एंड सेकेंडली, व्हेन यू रियली वॉन्ट टू सर्व, दिस इज द सर्विस यू मस्ट लुक फॉरवर्ड टू. इट
यू हैव अटमोस्ट अपॉर्चुनिटी. आप हर आदमी पुलिस की टुवर्ड्स देखता है, चाहे उसकी भैंस गिर जाए, चाहे उसके साथ बड़ी घटना हो जाए, सबसे पहले सोचते हैं कि पुलिस होगी, बिकॉज वी आर विजिबल. वी आर विजिबल एंड वी आर देयर. तो अगर आप किसी भी उसमें सर्व करना चाहते हैं तो पुलिस इज द सर्विस. थैंक यू सो मच रेणुका मैम. प्लीज ऐसे हाथ कर दीजिए हम सभी को. प्लीज गिव अस सम मोटिवेशन एनकरेजमेंट, जस्ट लाइक अ हाई फाइव और लाइक एन एनकरेजमेंट. एंड हम सब एक साथ कहेंगे आफ्टर आई से 1 2 3 वी विल ऑल से जय हिंद. एंड 1 2 3 जय हिंद. Thank you so much, Renuka ma'am and Charu ma'am. Like I said, you're very lucky and honored to have you with us. Gunti, would you like to say before they leave? जो थोड़ा बहुत भी हमको कुछ इधर उधर के डाउट थे या कुछ था वो आपने क्लियर कर दिए. एंड वी हैव अ लॉट मोर रिस्पेक्ट towards the entire force, towards Mahila Police Thana, and now inherently towards the show as well. और उसका थोड़ा सा एक अब ना प्रेशर भी हल्का सा फील हो रहा है कि यार हम तो बहुत बड़ी और बहुत ही रिस्पेक्टेबल एक फोर्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो नाउ वील हैव टू डू इवन बेटर. थैंक यू सो मच. इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू ऑल. एंड वाओ, ओह माय गॉड, बहुत मजा आ गया, बहुत मोटिवेशन मिली है. एंड हम क्वेश्चन आंसर की तरफ भी अब आगे बढ़ने वाले हैं. थैंक यू सो मच रेणुका जी एंड चारू जी. मैम, यू बोथ हैव रियली इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड अस. एंड एक ऐसे शो जुड़ी कुछ बात है क्योंकि जज्बात है, ये शो की टैगलाइन है. और ये कॉन्वर्सेशन सुनकर ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल ही एप्ट टैगलाइन है. क्यों आपको नहीं लगता? लेट्स नाउ टर्न अटेंशन टू आवर ऑन स्क्रीन पुलिस ऑफिसर्स जो अपने खास अंदाज से सैकड़ों दिलों पर राज कर रही हैं. सो मैडम सर, हम जानते हैं आप सबका एक यूनिक और एकदम डिस्टिंक्ट अंदाज है, अदा है. तो हम सब सुनना चाह रहे हैं. मैंने इंट्रोड्यूस तो कर दिया अपनी स्टाइल में, लेकिन अब आप अपने अंदाज में इंट्रोड्यूस करें. सो ओवर टू यू. Yes, okay. Sorry, इसके पहले the media, please be ready with your questions. आप जल्दी से डालिए, इसके बाद we're going to have our question answer. Let's go. Great. So, Madam Sir, AKA हसीना मलिक, SHO, किरदार कुछ ऐसा है कि जज्बातों में यकीन करती है, बहुत पीसफुल तरीके से हर मुश्किल को सुलझाना चाहती है और करिश्मा सिंह को कभी लाठी डंडा घूसा इस्तेमाल करने नहीं देती. जैसा कि अभी रेणुका मैम और चारू जी ने कहा कि चाहे अंदर कितने भी इमोशंस उमड़ रहे हो, कितना भी गुस्सा हो रहा हो, हमेशा शांत, अच्छे और सुलझे हुए दिमाग से हर मुश्किल को हल किया जाए, यही है हसीना मलिक का मोटो. जी मैडम सर. और हम जो है हम करिश्मा सिंह है. एंड मेरा किरदार कुछ ऐसा है कि ये घुसे मुक्के और लातों में बिलीव करती है क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाती है अपने एंगर पे. तो जो भी मुजरिम इसके सामने आता है उसको लगता है वो लातों के भूत है क्योंकि वो बातों से नहीं मानते हैं. तो कुछ इस तरह है मेरा किरदार. ओवर टू यू संतोष. मैं संतोष शर्मा. मेरा किरदार ऐसा है कि संतोष जो होती है वो बहुत ही कंफ्यूज्ड होती है हमेशा हसीना और करिश्मा के बीच में, क्योंकि दोनों का अलग अलग अंदाज होता है हमेशा हर एक केस को सॉल्व करने में. और दोनों से इतनी ज्यादा इंस्पायर्ड होती है और सोचती नहीं है बोलने से पहले कुछ भी, बोल देती है उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि ओ ये तो बोलना ही नहीं चाहिए था मुझे अभी. तो वो हमेशा कंफ्यूज रहती है. All right, thank you so much. Lovely introduction. And now over to the question and answer from our respected media friends. Already sawal aana shuru ho gaye hain, to jhat se let's just do this. Poonam from Dainik poochti hai, Dainik Bhaskar. COVID-19 ke mushkil daur mein hum sabhi ne kuch sabak seekhe hain. So aapko is daur mein jeevan ke liye kya sabak mile hain jinhone aapko aur sakaratmak banaya hai? Poonam, Dainik Bhaskar, Delhi se poochti hai. Would like to answer. Yukti, you go first. Okay. इस लॉकडाउन में, इस कोविड के टाइम पे बहुत कुछ सीखा है. संयम सीखा है, पेशेंस सीखा है, एंड ये सीखा है कि फैमिली, जैसे मैं यहाँ रहती हूँ बॉम्बे में और मेरी फैमिली जयपुर में है, वो फैमिली टाइम मुझे मिला, फैमिली के साथ वो जो
कुछ बीच में छूट गया था जब मैं यहाँ होती हूँ वहाँ होती हूँ, तो इस टाइम पे मैं उनके साथ रही हूँ आज. बहुत अच्छा लगा मुझे अपनी फैमिली के साथ. लेकिन इस मुश्किल समय में हमें एक साथ रहना होगा, हमें एक दूसरे की बात माननी होगी. जो हम बार बार कहते हैं कि वी हैव टू पुट मास्क, वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स, जो हमें हर वक्त बताया जा रहा है हमारे बड़ों से, हमारे दोस्तों से. तो इस मुश्किल समय में मैं जो हूँ बहुत कम बातें मानती हूँ, लेकिन इस पे मैंने ये सीखा कि मुझे एक्चुअली में सबकी बातें मानना भी बहुत जरूरी है. और संयम के साथ सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये समय निकालना है. हम काम पे आ गए हैं, हम काम पे भी बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ अभी पूरा सेफ्टी मेजर्स के साथ हम काम कर रहे हैं. तो बेसिकली मैंने जो सीखा है वो ये सीखा है कि मुझे अब सबकी बातें माननी है और बिल्कुल तरीके से चलना है. बिल्कुल, सो यू बी अ इवन मोर गुड गर्ल, कैनेडा ड्यूटी मैन. ऑलराइट, निकी सिंह फ्रॉम स्पॉट बॉय ई मुंबई पूछती है, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू हैव फेस्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू एसे द रोल ऑफ अ फीमेल पुलिस ऑफिसर. गुलकी और संतोष, चैलेंजेस एज सच तो जैसे कि अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि अदर देन गेटिंग इनटू द कैरेक्टर और वो किसका कैसा किरदार है, किसके क्या लेयर्स हैं, वो समझने के अलावा एक जो पुलिस अफसर होने की जो एक जिम्मेदारी होती है वो अपने अंदर लाना, वो आई थिंक मैंने बहुत जरूरी समझा. और वो थोड़ा सा मुश्किल भी था क्योंकि मैंने इस तरह का पहले रोल कभी किया नहीं है. तो एक इतना सुलझा हुआ, समझदार, सौम्य कैरेक्टर, जो कि मैं पर्सनल लाइफ में ऐसी हूँ नहीं, मैं बहुत मस्ती कर हूँ और मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ बहुत ज्यादा. यस ओके, एक और सवाल आया है, श्रुति मिश्रा ने पूछा है, सॉरी आई एम कटिंग यू, श्रुति मिश्रा ने पूछा है, गुलकी आप COVID-19 के बाद सेक्स पर क्या बदलाव देख रही हैं? श्रुति मिश्रा, नवभारत टाइम. सेट पे बहुत सारे बदलाव हैं. एक तो सबसे पहले लोग बहुत कम हैं, उसके अलावा कम से कम 4 लेयर के सैनिटाइजेशन है, पहले हाथ, फिर पूरी बॉडी, फिर आपके अलग से बैग, फिर टेम्परेचर चेक होता है, फिर आपका ऑक्सीजन मीटर चेक होता है. मतलब ऐसा लगता है कि पूरा जंग का मैदान क्रॉस करके जो है फाइनली आप सेट पर पहुंचते हैं, जो कि बहुत ही है और बहुत जरूरी है. मतलब ऐसा लगता है कि कोई भी, कोई मतलब को ना तो बहुत दूर की भी बात है, कोई और भी जम होगा ना तो वो भी इतनी देर में खत्म हो ही चुका होगा. तब सेट पे ऐसे धुले धुले साफ सुथरे पहुंचे. ओके, बट सर एक टेबल पे सैनिटाइजर भी है. क्या बात है. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शूटिंग में कितना बदलाव आया है ड्यू टू द थ्रेट ऑफ कोविड? भाविका, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. पारस कोठारी, अब मैं मुझमें तो स्पेशली मुझमें अगर मैं देखूं तो पर्सनली बहुत ज्यादा बदलाव है, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा कि मैं जाके बैठती हूँ, भले ही चेयर खाली होगी मैं जाके इनके गोदी में जाकर बैठ जाऊंगी. तो अब वो भी ध्यान रखते हुए मुझे चेयर पर बैठना होता है, दूर बैठना होता है. तो मेरी तो मस्ती एकदम कम हो गई है. ओके, सो भाविका, सिंस यू आर आंसरिंग अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द मीडिया, इफ यू वर रियली अ पुलिस ऑफिसर तो कौन सी चीज है जो आप सोसाइटी में बदलना चाहते हैं? बदल दूंगी, जो जो मुझे गलत लगती है वो सारी बदल दूं. अगर मैं अकेली कर सकती हूँ तो मैं सब चीज अकेले सब बदल दूं. क्यों गुलकी, क्यों युक्ति, बदल सकती हूँ. एब्सोल्युटली, आप क्या नहीं कर सकते. युक्ति, शो में मैडम सर टीम सॉल्व्स ऑल केसेस टुगेदर, तो केमिस्ट्री कैसी है सेट्स पर आप सबके बीच में? यहाँ तो मस्त लग रही है. हु इज द बिगेस्ट मस्तीखोर? शायद उसने खुद ही जवाब दे दिया. गुलकी सबसे ज्यादा मस्तीखोर है सेट पे, और वो है, फिर उसके बाद आती है भाविका, फिर सोनाली जी, फिर मैं मस्ती नहीं करती सेट पे. और केमिस्ट्री कैसी? दूसरी बात, सेट जब हम सीन केमिस्ट्री अमेजिंग केमिस्ट्री है. जब मैं सबसे ज्यादा प्रैंक मुझसे, मेरा ही फोन चुराते हैं, मुझे ही पागल बनाते हैं. तो सेट पे भी टच वुड कि हम सबके बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, एक दूसरे को समझते हैं, हमें पता रहता है कि कुछ काउंट है, तो हम प्रिपेयर्ड रहते हैं. अब इतना साथ में सीन्स कर लिए परफॉर्म की, हम अच्छे से समझने लगे हैं, बहुत अच्छे दोस्त
भी बन गए हैं सब, हमारे सेट का इतना पॉजिटिव माहौल है, हर कोई इतना पॉजिटिव है और सारी चीजें बहुत पॉजिटिविटी के साथ होती है, इसलिए शायद सीन्स का भी अलग मजा आया है और हमें जो प्यार मिला है ऑडियंसेस 2 महीने में वो कमेंडेबल था, क्योंकि हमारे लिए वो एक अचीवमेंट थी और जो वो इसीलिए हुआ है क्योंकि शायद हमारी केमिस्ट्री बॉन्ड बहुत अच्छी पॉजिटिव है, इसलिए हमारे साथ पॉजिटिव तो कड़क करिश्मा, आप कितनी कड़क हैं, सासी संतोष कितनी सासी हैं, जल्दी जल्दी बताएं, दैट्स अनदर वेरी फन क्वेश्चन। कड़क करिश्मा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ही सॉफ्ट है, अपने सॉफ्ट और डरपोक लड़की हूँ, लेकिन करिश्मा बिल्कुल ऑपोजिट है, मुझे खुद को करिश्मा से डर लगता है। सासी संतोष जैसी भाविका है वैसी संतोष है, नहीं सोचती बोलने से पहले, बस बोल देती है, बोलती ही रहती है, फिर जब ये देखते तब मैं चुप हो जाती हूँ। शांत और अपने इमोशंस को दबा कर छुपा कर रिएक्ट करने वाली है, बुल्की उसकी एब्सोल्युटली ऑपोजिट है। प्लीज कोई कैन आई, कैन आई, यस प्लीज गो फॉर इट, गो फॉर इट, कम ऑन, बुल्स आई, बुल्स आई, एंड 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 क्या बोलते हैं, धमाका। ऑल राइट, बुल्स आई, धमाका, बुल्की, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। प्यार, बहुत सारा प्यार और बहुत प्यारे तरीके से एक बहुत बड़ी बात कहने वाला शो, बट प्लीज प्यार से देखिए, बड़ी बात कहने वाला शो, बहुत सारे शब्दों में दो शब्द भावनाएं बता दी, एंटरटेनिंग एंड जज्बातों से केस सॉल्व होना, क्या बात है, ये सारे जज्बात आज इस शो में और इस वेब मीट में रहे। आज हमने सीखा कि एक महिला पुलिस ऑफिसर की पुलिसिंग का अंदाज कुछ खास ही होता है, थोड़ा गुस्सा, थोड़े जज्बात, थोड़ा दिमाग एंड थोड़ा दिल, इन सब का कॉम्बिनेशन है ये अमेजिंग महिला पुलिस ऑफिसर्स। फिर एक बार मैं तालियों की गूंज अपने काम में इमेजिन कर रही हूँ। हमारे साथ इन रियल लाइफ पुलिस ऑफिसर्स एंड ऑन स्क्रीन पुलिस ऑफिसर्स यानी द कास्ट ऑफ मैडम सर के साथ इस वर्चुअल मुलाकात में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको मजा आया हो और ये तारीख, ये जो नंबर है याद रखिए, 13 जुलाई से सोनी सबके साथ रखिए, खुशियों वाले जोन में कदम फिर एक बार वापस आ रहा है एंड वापस आ रही है, इनफैक्ट आपके फेवरेट शोज एकदम फ्रेश ताजा एपिसोड्स लेकर। आप अपने परिवार के संग जरूर ट्यून इन करें सब, हैशटैग स्विच ऑन सब, लेट्स से दैट अगेन, हैशटैग स्विच ऑन सब, राइट, सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच एंड बहुत मजा आया, वेरी मोटिवेटेड। Thank you so much, Ada. Ada, you were lovely. But leaving you, tumse vida. Yes. Bye. Ada. Yes, Ada. Yes, Ada. Yes, Ada.